शुद्धि, आत्मा की शुद्धि, इसको क्या कहें हम कि तुम्हारा अपना आत्मा का विकास आत्म समृद्धि चैतन्य घंटा ये ही आपको काम आती है, तुम्हारी अपनी आत्मा की घनता, तुम्हारी आत्मा की अपनी सफाई पवित्रता, अपने आत्मा की तुम्हारी अपनी प्रकटता। जब तक तुम अपने आप में समर्थ नहीं हो जाते, तुम्हारे अंदर अपनी ही आत्मा खड़ी नहीं हो जाती, तुम कैसे सत्संगी होने का दावा कर सकते हो? समय आएगा तो तुम खाली खड़े मिलोगे। जब तक तुम्हारे अंदर अपने होश की गहराई नहीं है, हमारे उपदेश आप पर काम नहीं करेंगे। आप उनको ग्रहण नहीं करेंगे, ना उन पर पालन करेंगे। पाई जो बात है ये है कि वो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसके लिए तुमने बार बार जगाया जाता है, ध्यान किया करो, विचार किया करो, ताकि सत्संग में कही गई बात तुम्हारे पल्ले पड़ सके। अब एक बच्चा है, बच्चा माता पिता से कुल्फी मांगता है, टॉफी मांगता है, उसको अच्छी लगते हैं, बड़ी प्यारी चीज लगती हैं, और माता पिता उसको कहता है कि भाई ये गंदी चीज है, इनको मत खा तुम, उसको चाटे भी लगा देता है, लेकिन उसको वो अच्छी लगती हैं, चाटे लगाने के बाद भी उन्हीं को मांगता नहीं देता है तो चोरी से लेता है। क्यों? बच्चे की समझ इतनी है कि इसके टॉफी और कुल्फियां प्यारी लगती हैं, इससे ऊंची समझ नहीं है उसके पास। जो चीज बच्चे को अच्छी लगती है वो उसके पिता को बुरी लगती है, और वो बच्चा मांगता नहीं है क्योंकि उसको अच्छी लगती है। अब वही बच्चा जीवन से गुजर के थोड़ा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा विचार के लेवल में, परिणाम के लेवल में चला जाता है, तो जवान हो जाता है। वही अपने बच्चों को रोकता है कि टॉफी मत खा। जो बच्चा टॉफी से प्रेम करता था, कुल्फी से प्रेम करता था, वही एक दिन जाकर के अपने बच्चों को समझाता है कि टॉफी मत खाओ, पेट में कीड़े हो जाएंगे, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अब वो बच्चा बचपन में क्यों नहीं समझ सका? उसमें चैतन्य घनता नहीं थी, विषय घनता थी। वो आत्मिक रूप से विकसित नहीं था, चीजें उसकी समझ में नहीं आती थी। अब वो जीवन से गुजर चुका, उसको अनुभव हो चुके, उसके अंदर चैतन्य घनता आ गई, आत्म समृद्धि आ गई, वो चीजों को समझता है। जिन गलतियों को कभी बचपन में करता है, अब जवानी में उनका वो विरोध करता है। तो इसलिए जो बात मैं समझाना चाहता हूं, जब तुम अंदर से विकसित ना हो जाओगे, आत्मा की ओर से उन्नत ना हो जाओगे, तो इन छोटी छोटी व्यक्तियों को छोड़ नहीं सकते हो, तुम उनसे प्रेम करोगे उल्टा। जैसे बच्चा कुल्फी से प्रेम करता है, टॉफी से प्रेम करता है,
जब तक तुम भी अपनी वृत्तियों से, अपनी छोटी छोटी आदतों से तुम प्रेम करोगे, क्योंकि तुम उनसे ऊपर नहीं उठे हो। उनसे ऊपर उठने के लिए तुमने अमल और विचार की बहुत तगड़ी जरूरत है, पालन करने की बहुत तगड़ी जरूरत है। तुमने चेष्टा से सीखने वाले बनने की जरूरत है, चेष्टा से कहता हूं मैं, चेष्टा से ख्यास करके अच्छे बनने की कोशिश करो, ख्यास करके अपने आप में खुलने की कोशिश करो तो तुम खुल सकते हो। क्या तुम बच्चे थोड़े हो, वो तो शरीर की ओर से सुझा रहा था मैं, शरीर तो तुम्हारा बड़ा हो चुका है और तुम उसके अंदर आ चुके हो। तुम अपने भले को पहचानो, बुरे को पहचानो, जो तुमको अच्छा लगता है उसको पालन करने की कोशिश किया करो, नहीं तो नहीं कर सकोगे। मैं किसी को कहूं देख भाई ये अहंकार की बात है तो ये मत कर, उसको वो अहंकार की बात सत्य नहीं लगती है मेरी के ये कह रहा है, ठीक कह रहा है, उसे पता ही नहीं कि अहंकार में और प्रेम और समझ में क्या अंतर है, उसे अंतर का नहीं पता है। जब उसने अहंकार में और प्रेम में समझ में अंतर का पता चल जाएगा तो वह अहंकार को छोड़ देगा। और ये सारी घटना चेष्टा की है, चेष्टा करोगे तो तुम ठीक है, ना करोगे तो भाई आना ही जाना है। मैं तो बार बार खरी बात सुनाता हूं तुमको, अपना आत्म विकास चाहिए। आत्म विकास का अर्थ समझते हो कि तुम्हारे अंदर अपने होश होने चाहिए गहरे। जब तुम्हारे अंदर गहरे हो जाएंगे होश, तो तुम गुरु रूप हो जाओगे, सिद्धांत रूप हो जाओगे, धर्म रूप हो जाओगे। फिर तुमको हिंदू बनने की मसाल, मुसलमान बनने की या ईसाई बनने की जरूरत नहीं है। तुम बने बनाए जो हो वो सारे ढह जाओगे। जब ढह जाओगे तुम्हारा आत्म स्वरूप रह जाएगा, और वो सिद्धांत रूप है, सत्य रूप है, पवित्र रूप है। तो हमें चाहिए आपके अंदर जो है सेल्फ ग्रोथ, तुम्हारा अपना विकास। अपना विकास व्यक्ति का जब तक नहीं होगा तो समाज का हित नहीं हो सकता, न ही तुम्हारा अपना हित हो सकता है। समाज है ही क्या, व्यक्तियों का तो जोड़ है। जब व्यक्ति ही उसके अंदर अशुद्ध हैं, पवित्र नहीं है, तो बताओ समाज समर्थ कैसे हो जाएगा। समाज समर्थ नहीं हो सकता। तुम्हें अपना संतुलन, अपना ग्रोथ, अपने आत्मा उन्नति अपने अंदर जरूर भी एक दिन लानी पड़ेगी। ये लाए बगैर तुम्हारा जन्म सफल नहीं होगा, तुम खुश नहीं रह सकते, तुम संतुलित नहीं रह सकते। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें तुम्हें आप पकड़ेंगी और बड़े बड़े बेबाल खड़े हो जाएंगे, तुम दुखी हो जाओगे। जनक की कहानी सुनी होगी कि सुखदेव मुनि थे। सुखदेव मुनि ने अपना ऐसा कर्म कर लिया था कि वो स्वर्ग तक पहुंच गया। उसने गुरु नहीं बनाया था, व्यक्ति गुरु, वो आत्म गुरु के आश्रय से स्वर्ग तक कहते हैं पहुंच गया, तो स्वर्ग से वो पलट दिया गया कि तेरा गुरु नहीं है तो अनुग्रह है, तुम वापिस जा, 84 का हकदार है, तेरे पास गुरु नहीं है। इन बातों से तो हमारी आध्यात्म जो है तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ को कोई कीमत नहीं देती है, कि तुम्हारे अपने गुण हों और वो ठीक हों, हम मानते हों। तुम्हारे ठीक गुणों को हम तभी मानेंगे तुमने गुरु भी बनाया हो। लेकिन इस बात में ना जाओ, गुरु अंदर भी है। कोई चीज बाजार में आ जाती है, वो प्रभाव डालती है, टेक्निकल है, तुम्हें जो है तुम फरीज ले आते हो, तुम्हारे काम आता है, क्या उसको तुम नहीं मानोगे? मानोगे, क्योंकि वो तुम्हारे उपयोगी है, महत्वशाली है। अगर तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ से तुम्हारे अंदर आनंद नहीं है,
शांति नहीं है, सबर संतोष नहीं है, समझ नहीं है, तो उसको हम आत्म ग्रोथ कह ही नहीं सकते। आत्म ग्रोथ उसी को कहेंगे जब सारी चीजें ये तुम्हारे अंदर हैं, ये गुण तुम्हारे अंदर हैं, तो ये चीज खरी है। तुमने गुरु बनाया हो चाहे ना बनाया हो, तुम्हारे लिए भी प्रभावशाली है और सबके लिए प्रभावशाली है। लेकिन जो मैं बात समझा रहा हूं सुखदेव के जरिए से, वो कुछ और है। वो कुछ ऐसी बात है कि उसने राजा जनक को आकर के गुरु ठहराना चाहा। जब सुखदेव को स्वर्ग में जगह नहीं मिली तो पिता ने कहा कि तू जा, राजा जनक है उसको गुरु ठहरा ले, तेरे को स्वर्ग में जगह मिल जाएगी, बस ठहरा ठहरा ले और कुछ ना कर, ठहराने से मिल जाएगी। ये ऐसी बातें हैं, इन पर तुमने तो विचार करना पड़ेगा, ज्यादा इस तरफ नहीं जाता मैं, ये तो होश का मामला है, बस इसको ले लो और इसको समझ लो, ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो राजा के पास जाता है, राजा ने कहा ठीक है सुखदेव जी को ले आओ। सुखदेव जी को अपने महल में बुला लिया, बुला लिया तो राजा था, सारे विलास थे यूं के तुम, सारे भोग विलास थे, सारे राजपाट के ठाट थे, जैसे सब गृहस्थियों के होते हैं, इनसे बहुत ऊंचे ऊंचे उसके ठाट बाट थे जगत के। तो सुखदेव मनी ने समझा कि ये राजा जनक जो है ये क्या गुरु बनेगा, ये तो विषयों में लिप्त है, इस जगत में लिप्त है, महल में लिप्त है, अपने शरीर के जीवन में लिप्त है, ये तो धसा पड़ा है, मेरे को क्या ज्ञान देगा। तो हुआ क्या, एक दिन उसको सुखदेव को सपना आ गया, सुखदेव मुनि को सपना आ गया, और जो है जनक का महल था उसमें आग लग गई, महल जल उठा, उसमें रानियां भी थी, सेवक भी थे, साधु भी रहते थे कई, तो भगदड़ माच गई। भगदड़ माच गई तो जो साधु थे उनके अपना एक एक लंगोट था, खूटियों पर सूख रहा था, उठ के भाग लिए अपने लंगोट उठाने के लिए, मेरा लंगोट ना जल जाए। और राजा जनक क्या करता है, सखीर है, महल जल रहा है तो मगन है, न जला हुआ है तो मगन है, ये अंतर समझने की बात है कि साधु है अपने लंगोट के लिए भाग रहा है, राजा जनक जो है अपने महल के लिए नहीं भाग रहा है। अब राजा जनक जो है क्या वो लिप्त था महल में, क्या विषयों में लिप्त था, क्या शरीर में और मन में और दिल में खोया हुआ था, नहीं था। उसके अंदर अपना आत्मा का एक स्टैंड था, उस आत्मा के स्टैंड पर ठहर करके वो सारी चीजों से संबंध रखता था। तो ये होती है सेल्फ ग्रोथ, आत्म उन्नति, चैतन्य घनता, आत्मा की प्रचुरता, उसकी अपनी प्रकटता, कि उसके अंदर साक्षी तो बढ़ जाता है, साक्षी तो के देखने की समर्था बढ़ जाती है, वो देखता है उसमें हलचल नहीं आती, वो भोगता है, वो लिप्त नहीं होता। ये अगर तुम्हारे अंदर समर्था आ जाए, तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्मा प्रकट हो जाए, तो जगत में रहते हुए भी तुम सुखी रहोगे, जगत को भोगते हुए भी तुम सुखी रहोगे। सजो जग में ऐसे रहो जैसे जिभा मुखमा, घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी ना। तो तुम्हारे अंदर अगर आत्मा प्रकट हो गई है, साक्षी हो गई, तो तुम संसार से विचलित नहीं होगे। जैसे सहजन उदाहरण दिया कि तुम घी खाते हो,
तो वो जीभ को तो लग्या नहीं रह सकता, जीभ को लग्या रह ही नहीं सकता घी। इस तरह से तुम्हारे जो ये दांत हैं 32, इनके अंदर जीभ रहती है और वो किसी चिकनाट को बाहर के को नहीं पकड़ती है। इसी तरह से संसार में अगर तुम रहने लग जाओगे तो तुम सहज और पूर्ण हो जाओगे। इससे पहले कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको परमानेंट सुख मिल जाए। इसके लिए तुमने अपने भाई समझ बढ़ानी पड़ेगी। समझ बढ़ाओ, समझ बढ़ाए बगैर तुम्हारे अंदर एक तो नहीं आ सकता। तुम्हारे अंदर दुई निवास करेगी, दुई दुई तुमको सीमित करती है, तुमको डिवाइड करती है, तुमको बांटती है। ये दुई का भाव जो है तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी अशुद्धि है। और सत्संग का जो विज्ञान है ये सिखाता है कि यहां आकर के तुम्हारे अंदर से अगर ये दुई निकल जा तो तुम्हारा जो है आत्म ग्रोथ हो जाए, तुम्हारा आत्मा का विकास हो जाए, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता पूरी तरह से और सहज रूप से प्रकट हो जाए। अगर ये दुई रूपी अड़ंगा तुम्हारे अंदर से निकल जाए तो समझो तुम खरे हो। बस सारी अड़चन है या अध्यात्म में जितनी भी है ये दुई की है, संसार में भी जितनी अड़चन है ये दुई की है। दुई का भाव समझते हो तुम, क्या अर्थ है दुई का? दुई के बहुत गहरे अर्थ हैं। एक तो अस्थाई दुई होती है, अस्थाई भेदभाव। भेदभाव का अर्थ है दुई, भेदभाव रखना, द्वेष भाव रखना, बहु का भाव रखना, अस्थाई भेदभाव, ठोस भेदभाव और दुई भेदभाव, द्वेष भेदभाव। ये सारे अगर आदमी के अंदर निवास करते हैं तो उस आदमी के अंदर एक कड़ह भी निवास करता है। ठोस भेदभाव की बात है, उससे पहले अस्थाई भेदभाव की बात है। समझते ना, अस्थाई भेदभाव की बात है। कुछ चीजों में तुम ऊपर ऊपर से अपना ख्याल कर सकते हो, तुलना कर सकते हो कि भी ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इतना भाव तुम बना सकते हो। लेकिन अलग अलग सोचते हुए तुम दोनों के अंदर विरोध खड़ा नहीं करते हो। ये तुम्हारी सहज और अस्थाई भेदभावना है, ये इतनी दोषी नहीं है। दोषी भेदभावना कब आती है? जब ये भेदभावना ठोस रूप ले जाती है कि मैं उससे कति अलग हूं, कि प्रकृति परमात्मा से कति अलग है, कि हिंदू मुसलमान से कति अलग है, कि मस्जिद मंदिर से कति अलग है। जब ये गुरु उस गुरु से कति अलग है, ये शास्त्र उस शास्त्र से कति अलग है, जब आध्यात्मिक मार्ग में ये चीजें आ जाती हैं तो समझो एक कड़ है, एक रक्तपात शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा और मिटना जो था वो खत्म हो जाएगा। ये ठोस दुई है कि आपस में कोई समझौता नहीं है। और ये ठोस दुई जो है यह क्या चीज है? इस ठोस दुई के कारण तुम्हारे अंदर द्वेष भाव पैदा होता है। जब तक ठोस दुई नहीं आती तो द्वेष भाव आपके अंदर पैदा नहीं हो सकता है। क्यों? आप व्यक्तिगत हो, आप एक इकाई हो, विषोगत नहीं हो कि सबकी आत्मा के रूप में हो या सबकी आत्मा जैसी समझ तुम्हारे अंदर आ गई है, ऐसा नहीं है। तुम अभी अपने स्वार्थों के उपासक हो, अपने शरीर के मन के बुद्धि के उपासक हो, तुम व्यक्तिगत इकाई हो। इसलिए है ना, ये दुई जो है, ये ठोस दुई, ये ठोस भेदभाव, ये जब बन जाता है जब तुम्हारे अंदर ये अपनी अवस्था हो, व्यक्तिगत अवस्था। और ऐसी अवस्था में क्या करोगे? तुम चुनाव करोगे, क्योंकि व्यक्तिगत हो, सीमित हो। सीमित के लिए ठोस चुनाव जरूरी हो जाता है कि एक चीज को छोड़ देना और एक को पकड़ देना, और जो चीज छोड़ दी उससे फिर द्वेष हो जाता है। अगर उसे द्वेष ना करोगे तो उसको छोड़ कैसे दोगे? तो ठोस भेदभाव की जो दृष्टि है, इसी से तुम्हारे अंदर द्वेष से ये
दुई पैदा होती है, ये ठोस भेदभाव का ही रिजल्ट है। तुम्हारे अंदर द्वेष भाव पैदा होता है। सांख्य दर्शन में एक विचारधारा है कि परमात्मा अलग है और जो ये प्रकृति नजर आ रही है ये अलग है। बिल्कुल अलग अलग बता दिया कि परमात्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। अब ये ठोस द्वैत हो गया, अगर हम प्रकृति को जड़ मान लेंगे तो इसका हम चुनाव क्यों करेंगे? इसको छोड़ने के लिए हमारे अंदर द्वेष भी आएगा। हम केवल परमात्मा से प्रेम करेंगे, प्रकृति से प्रेम नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे हमारे दो का भाव होगा, दो का भाव होगा तो हम सहज और सरल कैसे हो जाएंगे? हम तो बटे पड़े। इसी आधार पर हम आत्मा और शरीर के रूप में भेद कर बैठेंगे। जो शरीर और आत्मा के बीच में एक ठोस भेद पैदा कर लेता है तो वो शरीर का दमन करना शुरू कर देता है, और शरीर का दमन कब तक करेगा? इसकी अपनी शक्तियां हैं, इसकी अपनी अक्षमताएं हैं, इसको भूख भी लगेगा, ये रस भी पैदा करेगा, अंदर के जो अंग इसके विकसित भी होंगे और अपना मन चाह करना भी चाहेंगे, दबाओगे तो बीमारियां खड़ी हो जाएंगी। तो सारी उम्र तुम लड़ते रहो आध्यात्मिक होकर के, आत्मा का पक्ष करते रहो और इस शरीर का दमन करते रहो, तुम खुद में ही विकृत रहोगे, समाज को क्या समझाओगे? एक पण चाहिए। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण यह है जैसे लोहा है और अग्नि है, लोहे को हम अग्नि में तपाएं तो लोहा गर्म होना शुरू हो जाता है, और गर्म होना शुरू हो जाता है तो वो भी लाल हो जाता है। लोहा लाल हो जाता है ना, अगर अग्नि में हम उसको तपाएं तो लोहा लाल हो जाता है। देखने वाले को भ्रम हो सकता है कि लोहा आग रूप है, लेकिन लोहे के अंदर जो गर्मी बाहर से आई है वो उधारी है, वो उस अग्नि के कारण चमक रहा है, उसकी अपनी चमक नहीं है। जब वो उसका ताप घट जाएगा लोहे का, सहज सहज वही लोहे का लोहा, लोहा अग्नि नहीं है। अग्नि दिखाई देता है तो इसलिए देता है कि अग्नि उसके अंदर प्रवेश कर गई है, वो उधारी है, वो निकल जाएगी तो वही लोहे का लोहा है। इसलिए अग्नि और लोहा दोनों अलग अलग हैं। ये सिद्ध कर देते हैं ऐसे उदाहरणों से। लेकिन क्या लोहा जो है वो लोहा ही है? क्या वो अग्नि रूप नहीं है? वो बुझा हुआ अग्नि रूप है लोहा। आप दो पत्थरों को भिड़ाओ तो अग्नि निकलती है उनके अंदर से। इसका अर्थ क्या है कि ये जो पत्थर है ये अग्नि का ठोस रूप है, कोई विशेष द्वैत नहीं है। लोहा अपने आप में एक ताकत है, उसको अगर हम घर्षण में डालेंगे तो उसकी सारे की अग्नि बन जाएगी। लोहा भी अग्नि रूप है, अग्नि भी अग्नि रूप है, लेकिन उदाहरण से ये सिद्ध कर देते हैं कि लोहा अग्नि रूप नहीं है। आज वो जमाना नहीं है कि तुम दुई को खड़ी करी रखो। ये समझना होगा तुमने कि दुई कहीं पर भी नहीं है, ये हमारे मन की रेखाएं खड़ी गई हैं अस्तित्व में, सारी की सारी ये दुई जो हमारे मन की क्रिएशन है, हमारे मन की उपज है। तो मैं क्या समझा रहा हूं कि कोई ठोस भाव ऐसा ना लिया हो जगत में कि भी ये चीज कति अलग है, ये कति अलग है, कि परमात्मा अति श्रेष्ठ है और ये प्रकृति अति घटिया है। ऐसा भाव बिल्कुल मत ले आओ। ये भी साधन है और परमात्मा जो इसका धारक है, दोनों एक दूसरे के बगैर पूर्ण नहीं है। इसी आधार पर जो दुई का भाव अगर क्षत्रिय पुरुष के अंदर डाल देते हैं कि भाई क्षत्रिय अलग है और पुरुष अलग है, ये मैं नहीं कहता हूं, लेकिन डाल दिया है किस आधार पर? एक मूल द्वैत है। मूल द्वैत क्या है? वही मूल द्वैत है कि प्रकृति अलग है, जड़ है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, इच्छा रूप है, कल्पना रूप है, और परमात्मा सनातन है, नित्य है, अजर है, अमर है, अमृत रूप है, आनंद रूप है। तो प्रकृति को हमारे महापुरुषों ने क्या कहा है? औरत कहा है। प्रकृति को औरत कहा है कि ये सारी प्रकृति जो है ये औरत रूप है, औरत परमात्मा रूप नहीं है, औरत आत्मा रूप नहीं है।
इसी मूल आधार पर इस औरत को इस प्रकृति के साथ जोड़ करके इसको नारी कह करके नारी को भी प्रकृति कह दिया और प्रकृति को भी नारी कह दिया। जब तक क्षत्रिय पुरुष के बीच में इतना डिस्टेंस है, क्या कलह मिट जाएगी? जब तक हम नहीं सोचेंगे भाई क्षत्रिय में भी आत्मा है, पुरुष में भी आत्मा है, दोनों एक ही है, दोनों प्रकृति है, इसके चारों तरफ दोनों अंदर बीच में आत्मा ही है, तो हम कैसे सिद्धांत पर पहुंच जाएंगे? एक पणके को नहीं पहुंच सकते। क्षत्रिय को नीचा समझता जाएगा और मर्द अपने आप को ऊंचा समझता जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक भाई 20 साल से सत्संग लिया हुआ था, वो कहने लगे कि परमात्मा का अनुभव बताओ। मैंने कहा कि परमात्मा का अनुभव तो बताया नहीं जा सकता, वैसा हुआ जा सकता है। साधना से तुम परमात्मा जैसे हो सकते हो, उसको जी सकते हो, उसी तरह के तुम अपने आप को अनुभव कर सकते हो, लेकिन उसको बताना तो मुश्किल है क्योंकि वो वस्तु नहीं है। तो कहने लगे फिर भी कोई सर्वव्यापक सिद्धांत तो उसके बारे में बताओ कि हाँ भाई सिद्धांत तो है, परमात्मा को सर्वव्यापक कहते हैं, परमात्मा को घट घट में बताते हैं, रोम रोम में बताते हैं, सभी जगह अनुभव करो, तुम्हारी दृष्टि हो सकता है सीमित हो वह खुलती चली जाए। तो वो बात मान गया कि हाँ परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, क्षेत्रीय में भी वही है और पुरुष में भी वही है, सभी जगह जर्रे जर्रे में वही है, उसके सिवाया कुछ और नहीं है। तो वो संतुष्ट होकर के चला गया, संतुष्ट होकर चला गया, एक आत्मा का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। जो भी आए उसके अंदर परमात्मा को देखे, सबको नमस्कार करे, घर चला गया। घर में उसकी औरत थी और वहां जाकर उसके पैर ठबक गए, उसको नमस्कार नहीं कर सके, उसका स्वागत नहीं कर सके कि ये भगवान नहीं, ये तो मेरी औरत है। हो गया ज्ञान का खोखलापन निकला, ये कागजी ज्ञान है, ये समझ का बाहर की का ज्ञान है, अंदर की का नहीं है। अब वो अपनी जो औरत का स्वागत नहीं कर सकता है, उसका आदर नहीं कर सकता है, 20 साल से सत्संगी है, वो उसके अंदर परमात्मा नहीं मांग सकता है। परमात्मा मांगेगा तो उसको भोगेगा कैसे? हमारे आध्यात्म में सिखाया है कि औरत को भोगना है तो उसको औरत ही मानो, उसके अंदर परमात्मा मान लिया तो तुम भोगोगे कैसे औरत को? अब इस ज्ञान में आए तो औरत भोगना छूटती है, लेकिन भोगना थोड़ी छूटती है, वो भी परमात्मा है, वो भी परमात्मा है। और दूसरे दर्जे पर जाएं तो परमात्मा की सभी संतान, एक सहज दृष्टि की जरूरत है हमें, वो सहज दृष्टि नहीं आती है। एक दूसरे का अर्थ करने में क्या घटता है, एक दूसरे का आदर करने में क्या एक चीज का भोग घटता है? पुरुष का भोग घटता हो कि औरत का घटता हो, एक दूसरे का भोग करने में कोई आदर नहीं घटता है, सहज भाव घटता है, एकपन बढ़ता है। ये समाज में हमारी साधारण दृष्टि भी हमारी आध्यात्म ने नहीं उतारी है, तो हमारी आध्यात्म 2 पैसे की भी नहीं है। अंतर गगन जीव एक बाशा, अंतर ज्योति की ने प्रकाशा, इच्छा रूप नारी उतरी ता का नाम गायत्री धरी। ये शब्द कबीर साहब के हैं कि अंतर में एक काल रूप जीव है जिसको निरंजन कहते हैं, उस निरंजन ने प्रकाश किया अपने अंदर से, वो प्रकाश ने रूप किस चीज का धारण कर लिया? नारी का रूप धारण कर लिया। ये प्रकाश जो है तेज है, ये प्रकृति है, इस प्रकृति का रूप धारण कर लिया और ये प्रकृति के नारी रूप है कि इच्छा रूप नारी उतरी। अब नारी को जैसे ऐसे श्रेष्ठ शिरोमणि संत सारी नारियों को ये कहते हैं कि भई ये इच्छा रूप नारी उतरी है, तो इच्छा रूप का कल्याण कैसे हो जाएगा? इच्छा रूप का कल्याण हो ही नहीं सकता है, वो इच्छा से कुछ दूसरी चीज भी हो, वो आत्मा जैसी भी हो तो वो पार कर सकती है इच्छा को? अगर इच्छा ही जैसी है तो इच्छा को पार कैसे करेगी? इच्छा ही होकर के रह जाएगी। इसलिए हमारे महात्मा पुरुषों ने यह कहा है कि बार बार कहा है कि वो औरत जो है ये परमात्मा से नहीं मिल सकती, ये गुरु नहीं बन सकती। ऐसा सिद्धांत न तो पुरुषों को मानना चाहिए न बहनों को मानना चाहिए, सब जो है ये इनके अंदर आत्मा परमात्मा है, इनका ध्यान बनता है, पुरुष से भी पहले परमात्मा के दर्शन करती है, मेरा ये अनुभव है, बैठते इनका ध्यान बन जाता है क्योंकि आत्मा इन्हीं के अंदर भी है, पालना है, पोषणा है, रक्षा करना है, इनके गुण है, ये परमात्मा के गुण है। तो भाई भाइयों और बहनों ने एक दुई को, मूल दुई को हटा करके
आपस का प्रेम तो बढ़ा ही लेना चाहिए। सत्संगी ने ये तो सोच लेना चाहिए कि भाई बहन सब बराबर है, एक माता पिता की एक संतान है, सारे के सारे हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। तो जो मूल द्वैत है इसके बहुत सारे दोष हैं, जब हमारे अंदर ये हट नहीं जाते, हमारे अंदर अंधकार है तो ये दुई खत्म नहीं हो सकती, और दुई खत्म नहीं होती है तो हमारा जो मानव का कल्याण नहीं है, मानवता हमारे अंदर पनप ही नहीं सकती है। लड़ते रहेंगे लोग आपस में, घरों में भी लड़ते रहेंगे, वीर मर्द लड़ते रहेंगे, पास पड़ोस से लड़ते रहेंगे, धार्मिक मुसलमान हिंदुओं से लड़ते रहेंगे, हिंदू लड़ते रहेंगे मुसलमानों से, कहीं मजहब दूसरे से लड़ रहा है, उस मजहब से लड़ रहा है, तो भाई कहीं हम प्रकृति से द्वेष रखेंगे, परमात्मा से प्रेम करेंगे। तो ये दुई जब तक ये द्वेष भाव हमारे अंदर से नहीं हट जाएगा तो हम सत्संगी होने के अधिकारी नहीं है। और सत्संग इसी चीज को समझाता है, यही तुम्हारे दृष्टि डालता है कि तुम सारी समझ को बढ़ा करके अपना विकास करो, अपनी आत्मा को अपने अंदर प्रकट होने दो ताकि तुम्हारी दुई खत्म हो जाए। अभी एक शब्द आया था ना कि दुई छोड़ एक टोले, तू राह ही अपनी होले, नाम रूप गुण क्या देखे और देखणीय के संग होले, सब नजरों में एक विराज एक नजर का होले, पीर पैगंबर धर्म घनेरे इनसे पासा ले ले, कर्म कांड तप तीर्थ भुलावे हौस का दीपक ले ले, पाथर पोथी क्या तू पूजे आत्म तत् को ध्याले, ताला भ्रम का खूब जड़ा है और ध्यान की कुंजी लाले, प्रकृति पुरुष दो नाही एक कह के पहलू दो लाले, सत चैतन्य व्यापक सभी जगह परख अभी एक होले, छोड़ दुई एक टोले और राही अपनी होले। शब्द में सारा ही सार बता दिया है कि एक को टोले टोले कया है, ये नहीं कहा कि एक को मान ले, मानना नहीं है हमने एक को, अगर एक को मान लिया तो वही हाल होगा जो 20 साल के सत्संगी के साथ हुआ था, जो अपनी औरत को नमस्कार भी नहीं कर सका था, वही हाल होगा मानने से। टोने से तुम्हारी समस्या हल होगी, टोने से तुम अपने आप को ढूंढोगे, अपने आप को ढूंढोगे तो ढूंढा गया, क्यों तुम्हारे से दूसरा तो कुछ है ही नहीं, जो इस देह में बैठा है वो भी उसी देह में बैठा है, सब नयनम प्रीतम मेरा वहां ने मांग भरी है, मांग मेरी अब कोई रही है नहीं, नित जवानी आन चढ़ी है, जो प्रीतम है आपका सब नजरों में एक विराजे एक नजर का होले। तो भाई जो ये बाहर नाम है रूप है लक्षण है आकार है प्रकार है, इसके साथ हम एक हो जाते हैं तो ये तुम्हारे व्यक्तित्व को जन्म देता है, तुम्हारे अहंकार को जन्म देता है, तब तुम एक नहीं हो सकते। इस रंग से इस रूप से जो कि सभी जगह अलग अलग हुआ बैठा है, इससे नीचे एक ऐसी भी चीज है जो बिल्कुल रंग से आकार से प्रकार से लक्षण से नाम से भिन्न सी लगती है, लेकिन वो भिन्न नहीं होती है, वो बुद्धि की दृष्टि से भिन्न होती है, अनुभव के दृष्टि से हम भिन्न नहीं कह सकते हैं। दो तरह की बुद्धि होती है आदमी के अंदर, एक तो होती है कि भाई उसको कहते हैं संश्लेषणिक बुद्धि, एक होती है विश्लेषणिक बुद्धि, इन दो से एक और भी उपजती है सांझी बुद्धि, जो दो के मिलाकर के देखती है वो एकात्मक बुद्धि होती है, संश्लेषणिक विश्लेषणिक, और तीसरी इनसे जन्म लेती है विश्लेषणिक एकात्मक। कैसे समझाएं इसको कि भाई किस चीज को हम बताएं कि एक वैज्ञानिक की दृष्टि होती है चीजों को तोड़ तोड़ के देखना, ये मन की वृत्ति है ये बुद्धि की वृत्ति है, हम कहेंगे कि भाई इंसान है इसके अंदर भगवान है,
इस भगवान को हम हमारा जो है ये इष्ट है, यही हमारा देव है, लेकिन वैज्ञानिक कहेगा कि हमने तो इसको काट पाट कर देख लिया है, शरीर के अंदर कुछ नहीं है, हमने हाथों को अलग कर दिया है, पैरों को अलग कर दिया है, धड़कों दिल को अलग कर दिया है, मस्तिष्क को गर्दन को अलग कर दिया है, हमने फेफड़ों को अलग कर दिया है, हड्डी को मांस को मज्जा को अलग कर दिया है, नाड़ी नाड़ी को अलग कर दिया है, रूम रूम को अधेड़ कर रख दिया है, एक एक चीज को अच्छी तरह से देख लिया, हमने इसके अंदर परमात्मा नहीं मिला है। ये विश्लेषणिक बुद्धि है, ये डिवाइड करके देखती है, ये बंटवारा करके देखती है, हर एक चीज को अलग अलग करके देखती है। लेकिन एक आध्यात्मिक आदमी है वो कहता है कि सत्य तो वही है जो आपको नहीं मिला, जो निराकार है, वो आपकी पकड़ में कैसे आएगा, आपके औजारों के, आपके बुद्धि के, अपने मन के पकड़ में वो नहीं आ सकता, वो तो निराकार है, तुमको नहीं दिखाई देगा तुम्हारे औजारों से, प्रयोगों से, हाथ पैर काटने से। आध्यात्मिक कहता है कि ये शरीर झूठी है और वो निराकार सत्य है। वैज्ञानिक कहता है कि निराकार कुछ उपयोगी का नहीं है, वो असत्य है, ये देह सच्ची है। ये भिड़ंत होता है, ये वाद प्रतिवाद होता है। अगर हम इसी स्थान पर हम कहें आध्यात्मिक को भी, विज्ञान को भी, क्या भाई आकाश के बगैर कुछ है और इस पदार्थ के बगैर कुछ है, ये आकाश क्या वृथा है इसके बगैर, क्या ये वृथा है आकाश के बगैर, वो उत्तर नहीं देंगे। वो कहेंगे कि ये असली है वो नकली है, वो कहेगा कि वो असली है ये नकली है, ये सारा वाद प्रतिवाद है, यहाँ संवाद नहीं है, यहाँ एकपन नहीं है। जब एकपन जब आएगा, जब हम भी आकाश को भी सत्य समझेंगे और प्रकृति को भी सत्य समझेंगे, ये संवाद आ जाएगा। हम इस संवाद की परीक्षा में हैं कि भी कभी इंसान के अंदर एकपन आए, वाद प्रतिवाद संवाद, थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस, ये तीन चार शब्द हैं, एक बार क्रिया करते हैं फिर प्रतिक्रिया होती है फिर समझौता हो जाता है। तुम्हारे घर में कोई प्रतिक्रिया करता है, आकर के कोई पति है अपनी पत्नी को धमकाता है तो वो प्रतिक्रिया करती है, नाराज हो जाती है। प्रतिक्रिया का मतलब पति जो कहता है उसे उल्टा कहना, वो भी नाराज हो जाती है, वो भी नाराज हो जाता है। ये क्रिया पर प्रतिक्रिया होगी, पति ने क्रिया की तो पत्नी ने प्रतिक्रिया की, लेकिन कुछ समय के बाद समझौता भी तो हो जाता है ना, कि पति पत्नी की क्रिया प्रतिक्रिया ही साबित रहती हैं, क्रिया प्रतिक्रिया साबित नहीं रहती, उनका समझौता भी होता है, ये समझौता संवाद कहलाता है। दोनों की बात मिल जाती है, दोनों के अंदर एक साझा तत्व मिल जाता है, जब साझा तत्व मिल जाता है तो एकपन आ जाता है। साझे तत्व को ढूंढ लो। एक वैज्ञानिक ने परमाणु की खोज की है, उसके अंदर तीन उसने कण ढूंढे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तीन कण। एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण होता है, लेकिन जो बीच का न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन होता है वो शांत होता है, वो उदासीन होता है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई प्रकार नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, वो उदासीन होता है, उसका पता ही नहीं। हमारी आध्यात्म ने तो यही खोजा है कि शून्य स्वरूप को खोजा, उन्होंने एक कण में खोज लिया, तुमने शरीर में खोज लिया है, किसी ने ब्रह्मांड में खोज लिया, बात तो एक ही है। इन्हें ऊपर के लेवल में खोज लिया है, तुमने अंदर के लेवल में खोज लिया है। ये कहना है फिर भी वैज्ञानिकों का कि जो प्रोटीन है और जो इलेक्ट्रॉन है वे आपस में अपोजिट है, उसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए एक स्थान पर जुड़े हैं, वो उनका केंद्र है, समझते हो ना। वो उनका जो उदासीन और एकपन है, जो रंग रूप से गुण से परे है, वो उदासीन अवस्था है, उससे वो दोनों अपोजिट चीज जुड़ी है। जब दोनों अपोजिट चीज एक जगह जुड़ती है तो हमारा जो है ये द्वैत कहाँ है, द्वैत नहीं है। हमने सभी ने उल्टे शुद्ध विचार रखते हुए फिर भी एक परमात्मा को अपने विचार में रखना चाहिए, उसके लक्षण में रहना चाहिए। वो चीज ऐसी है जैसे हमारे जो अध्यात्मवादी हैं
जिसको उदासीन अवस्था में उसको खोज जाने, उसको शून्य कहते हैं, उसको चेतन कहते हैं, लेकिन हमारी ओर से हम उसको चेतन कहते हैं, क्योंकि वो शून्य में भी चला जाता है तो शून्य का धारक होता है, शून्य की स्मृति उस पर पड़ती है, समाधि में जाकर के आदमी बताता है कि मैं शून्य में गया था, इसलिए शून्य की स्मृति भी जिस पर पड़ती है, वो स्मृति जिस पर पड़ती है वो महान है, वो चेतन है, अव्यक्त हो गया था लेकिन वो चेतन था। इस चेतनता की अवस्था में भाई हम उस एक को ढूंढ ले जो सब नजरों में विराजे, जब हम एक नजर का हो जाएंगे और सब नजरों के अंदर एक को देखेंगे तो हमारा जो संसार में जीवन सफल हो जाएगा। फिर ये देश के साथ देश तोब नहीं अड़ाएगा कि पाकिस्तान अलग हो गया, कि हिंदुस्तान अलग हो गया, कि अमेरिका अलग हो गया, कि ये गांव अलग होगा, कि ये व्यक्ति अलग होगा। ये मेर तेर तो दिल में जब तक बसती है, जो मानव दुई है और अंधकार है, जब ये निकल जाएगी तो सारी धरती एक पूरी धरती हो जाएगी, तुम्हारे पैर पूरी धरती पर होंगे। तुम ना सोचो कि हम फलाने गांव में खड़े हो, तुम सोचो कि हम तो पूरी धरती पर खड़े हैं, ये तुम्हारा विचार बदल जाएगा। तुम ना सोचोगे कि हमारे पैर हमारे घर में टिके हो, तुम सोचोगे कि हमारे पैर पूरी पृथ्वी पर खड़े हैं, हम पूरी प्रकृति में खड़े हैं, हम पूरे आकाश में खड़े हैं, हम पूरे ब्रह्मांड के वासी हैं, छोटे से घर के वासी नहीं हैं। और तुम्हारा और भी कायाकल्प हो जाएगा, तुम शरीर में जाओगे तो शरीर को ये सोचोगे कि हम केवल इसके वासी नहीं, हम ब्रह्मांड के वासी हैं। ये तो ज्ञान की बात है, अगर तुम ध्यान करोगे तो समझोगे तो ये अवस्थाएं आ जाएंगी, नहीं तो नहीं आ सकती हैं। सब नैनों में प्रीतम मेरा वा ने मांग भरी है, और भाई मांग मेरी अब रही आना, भाई नित जवानी आन चढ़ी है। आज जिसको परमात्मा मिल जाते हैं, जो सब नैनों में बैठे हैं, वो एक आदमी की नैन में ही बैठा है और सब आदमी की नैनों में ही बैठा है, जब इससे मुलाकात हो जाती है तो शांति और आनंद आ जाता है, उसके अंदर जो है एकपन आ जाता है, वो एकात्मक हो जाता है, वो इस रूप से रंग से लक्षण से एक बार परे होकर के देख लेता है। और जब तक एक बार इसे परे होकर के नहीं देख लेता तो ये रूप रंग लक्षण है ये सत्य लगता है, जब तक ये सत्य लगेगा तो ठोस दो दुई भाव है वो खत्म नहीं हो सकता, वो नहीं होगा तो हम सफल नहीं हो सकते। तो सत्संग को तुम समझा करो कि हमने खोज एक ही करनी है और दुई को खत्म कर देना है, दुई से द्वेष पैदा होता है, यही अर्थ है बस। क्योंकि हम एक चीज को एक छोड़ करके एक को पसंद करते हैं, ऐसा करेंगे तो द्वेष भाव जरूर भी पैदा होगा। मुझ जैसा है प्रीतम मुझ में, मुझ ही मुझ में सेज सजी है, और पल भर का विसरण नाही दशा एकम एक हुई है। देखो जाकर के अंदर, जब तुम्हारे अंदर चैतन्य घनता आ जाएगी, आत्मा की ओर से तुम समृद्ध हो जाओगे, तो इस बात पर चले जाओ कि चेतन का वास चेतन पर है, आत्मा का वास आत्मा पर है, तो आत्मा निराधार है, जो उसका अपना आसन है वो भी आत्म रूप है, और जो उस पर विराजमान है वो भी आत्म रूप है। अब दोनों ही आत्म रूप हैं, कोई छेर नहीं है, तो भूलने की अवस्था भी नहीं है, दोनों एक हैं। बताओ आप कैसे भूल सकोगे, कैसे तुम प्राणी पढ़ सकोगे, कैसा तुम्हारे अंदर में आत्म विस्मृति आ सकती है? आत्म विस्मृति नहीं आ सकती अगर तुमने अपने आप को इस तरह से पहचान लिया कि मैं ही सेज हूँ, मैं ही प्रीतम हूँ, हमारी दिशा एकदम एक है। ये तो भाई अंदर जाने के बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। पीर पैगंबर बहुत घनेरे, तो इनसे पासा ले ले, कर्म कांड तप तीर्थ बुलावे तो हंस का दीपक ले ले। एक प्रेरणा है कि पीर पैगंबर धर्म भतेरे, तो इनसे पासा ले ले। गीता में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, अर्जुन को कहता है कि ए अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जा। सब धर्म क्या है? बहुत सारे धर्म हैं, जब तक एक एक धर्म आदमी बटा रहेगा तो उसके अंदर मानवता पैदा नहीं हो सकती है। तो उन्हें सीधा ही कह दिया कि सब धर्मों को छोड़, इनको राख में मिला दे, तू केवल मेरी शरण में आ जा। तो ये ना सोच ले यहाँ पर कि अपने लिए कह रहे हैं, हमने तो यहाँ ये अर्थ ले लेना है कि जो सुप्रीम पावर है
उसकी ओर से ऐसा कहा जा रहा हो तो बहुत बढ़िया। अगर कृष्ण अपने व्यक्तिगत भाव से कहता है तो ये भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के अगर हम चरणों में उसकी शरण में जाएंगे, वो तो रंग रूप आकार है, लक्षण है उनके भी। तो अगर रंग रूप आकार के हम धोखे में आ गए तो फिर दुई खड़ी रह जाएगी। तो हमने तो यही लेना है कि परमात्मा तुमको कहता है कृष्ण का रूप लेकर के, ए तुम, ए सत्संगियो, तुम सब चीजों को छोड़ के केवल परमात्मा की शरण में आ जाओ। तुम अपने नाम को भी छोड़ दो, तुम्हारा ये नाम तो तुम्हारे माता पिता ने धराया। ये नहीं कहता कि तुम सत्यतन को छोड़ दो, राधा स्वामी को छोड़ दो, भाई और कोई नाम को छोड़ दो, ये नहीं कहता। जो माता पिता ने तुम्हारा नाम रखा है, इससे भी एक पण हो गया तो तुम अपने आपको नाम समझते रहोगे। तुम्हारा एक पण शरीर से हो गया, तुम अपने आप को शरीर समझते रहोगे। तुम आत्मा बन के नहीं बैठ सकते अगर तुम इनसे उल्टा हटके के नहीं देखोगे। इनसे उल्टा हटना बहुत जरूरी है। इस रंग रूप और लक्षण से गहरे में जाए पर हमको एक का अनुभव नहीं होगा, एक का अनुभव नहीं होगा तो भाई ये फस्तूर जो है दुई का, ये हमने तंग करेगा। दुई अहंकार के कारण है, ठोस व्यक्ति भाव के कारण है, अलगात्मक मैं के कारण है। और अलगात्मक जो मैं है ये अंधकार के कारण है। अंधकार का दूसरा नाम है अज्ञान। जिसके अंदर अज्ञान है, पूरी समझ ना है, उसके अंदर ये अज्ञान है। तो अज्ञान है तो उसके अंदर अहंकार है, अहंकार है तो दुई है, दुई है तो दुख है। तो बात तो यही है भाई, पोथी पाथर क्या पूज्य। तू आत्म तत्व को ध्याले, ताला भ्रम का खूब जड़ा है, तो ध्यान की कुंजी ला ले। आखिर में तुमको यही समझा दिया है कि भ्रम का ताला खूब जड़ा है, इसका एक ही रास्ता है, किसी तरह से तो ध्यान कर लिया करे। जो भी ध्यान करेगा उसका अहंकार, उसका बाहर का रूप, उसका नाम रंग लक्षण मिटना शुरू हो जाएगा। हैं, मिटने लग गए रूप ध्यान जब लग गए है, ठीक है ना। जब जिसका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा तो समझो उसका ये जो बाहर का रूप है ये मिटना शुरू हो जाएगा। इस तरह से जैसे बर्फ पिघलने शुरू हो जाते हैं ना, सूर्य की गर्मी में बर्फ पड़ी और गर्मी पड़ती जाए तो वो बर्फ पिघल जाती है, विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी तरह से ज्यों ज्यों त्यों त्यों तुम ध्यान करोगे, तुम्हारा जो बाहर का ठोस रूप है, चाहे चाहे भाव का है, चाहे हृदय का है, चाहे मन का है, चाहे शरीर का है, चाहे मजहब का है, चाहे जाति पाति और कुल का है, चाहे स्वार्थ का, ये सब पिंगलता चले जाएगा। ये रूप रंग लक्षण, तुम केवल एक श्रेष्ठ आत्मा रह जाओगे जो सारी चीजों को धारण किए हुए है। तो एक मात्र साधन तुम्हारे पास ये है कि भाई अपने ध्यान की चाबी लगा लो, और ध्यान की चाबी जब तक नहीं लगाओगे, ध्यान की कुंजी जब तक ना लगाओगे, तो आप कैसे उस धरातल तक जा सकोगे जो निराकार और चेतन है। तुम उसके पार कैसे जा सकोगे जो प्रकृति है। तुम प्रकृति को भी परमात्मा का पसारा जब तक महसूस नहीं करोगे, जब तुम अंदर नहीं जाओगे, नहीं तो इसको दो समझते रहोगे, दो समझते रहोगे तो तुम्हारे जो है साधना पूर्ण नहीं हो सकती। तुमने ठोस को भी वही समझना पड़ेगा कि परमात्मा का ये ठोस रूप है, ये प्रकट रूप है। आत्मा को भी ये समझना पड़ेगा कि आंतरिक रूप है। जैसे कहा कि भाई कि ब्रह्म और माया दो नहीं, एक के पहलू दो लाले, सचेतन जगह सब है, परख अभी एक हो ले। प्रकृति और पुरुष, ब्रह्म और माया को जैसे दो बताया है, ये बिल्कुल ठोस मन की बात है। चाहे कैसा भी कोई तपस्वी हो, मननशील हो, लेकिन हमारी दृष्टि से ये ठोस द्वैत है, ये दो नहीं है, ये एक है। जैसे एक रूपा होता है ना, एक रूपा, एक के पहलू दो लाले, एक रूपा होता है। एक तो उसका नूला पहलू होता है, एक उसका नूला पहलू होता है, दो पहलू होते हैं ना, कि इस बार दूसरा पहलू है, दूसरी बार एक और पहलू है। तुम अगर उनके अंदर से एक पहलू हट जाएगा या हटाना शुरू कर दो तो सिक्का ही खत्म हो जाएगा। एक तरफ से घिसाना शुरू कर दो कि इसका एक पहलू मिटाना है हमने, इसका एक ऊपर की जो सतह है, सरफेस है, एक तरफ की हमने ये मिटानी है, तुम उसको घिसाना शुरू कर दो, लेकिन वो सतह है एक तरफ की, वो खत्म नहीं होगी, सिक्का ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो सिक्का एक है, एक इधर का पहलू है, एक इधर का पहलू है, एक इधर का सतर है, एक इधर का सतर है, एक इधर की सरफेस है, एक इधर की सरफेस है, एक का के दो रूप हैं ये।
इनको मत समझो कि अलग अलग, अगर ऐसा समझा तो तुम्हारा अपना आपसे ही समझौता नहीं होगा, जगत से कैसे हो जाएगा। तो अपनी बुद्धि को जड़ बताते रहोगे, अपने शरीर को जड़ बताते रहोगे, नाड़ियों को जड़ बताते रहोगे, सारी प्रकृति को जड़ बताते रहोगे। जड़ से तुम्हारा तालमेल हो ही कैसा जाएगा जब तुम चेतन हो? तुम क्या चेतन का जड़ से तालमेल हो सकता है? जैसे मैंने समझाया था अभी, नहीं हो सकता। जैसे पत्थर को भिड़ाएं तो अग्नि निकलती है, तो पत्थर में भी अग्नि है और पत्थर अग्नि भी है और अग्नि पत्थर भी है, ये दो नहीं है, सिर्फ प्रकटता में भेद है, आंतरिक लक्षण में एक है। जैसे मैं कहूं कि भाई शरीर और अग्नि अलग अलग दो हैं, दो नजर आते हैं भाई, अग्नि और शरीर हैं दो, दो हैं ये, तो एक कैसे हो जाएंगे? अगर शरीर आ गया अग्नि के पास तो अग्नि तो स्वाहा कर देगी शरीर को, हम कैसे कहेंगे एक? एक में तो प्रेम होना चाहिए, पूर्ति करनी चाहिए, लेकिन अग्नि तो स्वाहा कर देती है। तर्क कहता है कि दो हैं, लेकिन असलियत कहती है दो नहीं एक है। कैसे हैं एक? मैंने या एक विद्यार्थियों से सवाल किया था कि भाई अग्नि और शरीर में क्या कोई समानता है? उत्तर आ गया था कि अग्नि और शरीर में कोई समानता नहीं है, ये तो विपरीत है, वो तो जला देगा शरीर को अग्नि। मैंने कहा कि नहीं, तुम साझे तत्व को देखो कि साझे तत्व को कैसे ग्रहण करते हैं दोनों। कि ये क्या मतलब जी कि अग्नि किस चीज से जलती है? वो कहने लगे ऑक्सीजन से जलती है। ऑक्सीजन एक हवा होती है, एक प्राण होता है जिसके द्वारा अग्नि जलती है। अगर वो ऑक्सीजन ना हो तो अग्नि नहीं जल सकती। कोई मोमबत्ती जल रही हो, उस पर तुम एक गिलास मुद्धा मार दो तो वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ गई? उसको हवा नहीं मिली, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली है, ऑक्सीजन से वो जलती है। तो शरीर किस चीज से जीता है? ये भी ऑक्सीजन से जलता है। किस चीज से जलता है शरीर? इसको ऑक्सीजन ना दो, दो मिनट में मर जाएगा। शरीर को ऑक्सीजन ना दो, बुझ जाएगी। एक चीज दोनों को हमने नहीं दी है ऑक्सीजन, दोनों मर जाते हैं। तो इनका सांझा सौदा क्या है? ऑक्सीजन है जिसके द्वारा जीता है। तो ये विपरीतपणा है, ये वैसे ही नजर आता है, ऊपर ऊपर अंतर में एक सांझापन है, उसी के द्वारा हम जीते हैं। और वो सांझापन हमारा जो है चैतन्य स्वरूप है, वो परमात्मा स्वरूप है, वो तत्व स्वरूप है। हम सब अलग अलग होते हुए भी एक तत्व के बने हैं, हम भिन्न भिन्न होते हुए भी एक तत्व के बने हैं, हमारे लक्षण अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं। तो अब तो कोई कसर नहीं मेरे ख्याल में, जब हमने इस बात को सिद्ध कर दिया कि हम सांझे तत्व पर पहुंचेंगे तो सब एक है। जैसे शरीर और अग्नि भी हमने दो नजर नहीं आते, अगर तुम पहुंचोगे सिद्धांत पर, वो भी ऑक्सीजन से जलती है, ये भी ऑक्सीजन से जीता है, दोनों का सांझा मसाला जो है वो ऑक्सीजन है, वो एक प्राण है। कबीर साहब ने भी तो कहा है ना भाई, ये तत्व वो तत्व एक है, एक प्राण दो गात, कि ये तत्वीर वो तत्वीर दोनों एक हैं, उसमें भी आत्मा वही है, उसमें भी आत्मा वही है। ये तो प्राण है जो ये दो गात के अंदर, जैसे एक प्राण होता है ऐसे ही इन दो गात हैं, चाहे तीन गात हैं, चाहे चार गात हैं, कितने भी शरीर हैं, इनके अंदर एक ही परमात्मा व्यापक है। जब हमारी दृष्टि से एक आत्मा पर चली जाएगी, हम उसको खोज लेंगे, टो लेंगे। मैंने कहा कि मानना नहीं, टोना है। टोहने से तुम्हारी दुई खत्म होगी, तुम्हारा जो भरपूरता टोहने से होगी, टोहे बगैर नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूं तुम जोर अपना इस चीज पर लगाओ कि किसी तरह से स्वतंत्र विचार करो, ताकि तुम्हारे बाहरी धारणाओं के बंधन कट जाएं, और गहरे में तुम ध्यान करो ताकि तुम अपने तली में पहुंच जाओ। वहां ऐसा नहीं कि ज्ञान ही ज्ञान है, वहां आनंद भी है। ऐसा नहीं कि वहां आनंद ही आनंद है, वहां शक्ति भी है, समझते हो ना। वहां सब कुछ है, संतुलन है, समझ है, एकपन है। कई कहते हैं ना ज्ञान होने से क्या फायदा होगा, मैं उनसे कहूं कि तुम्हारे हाथ लगया है, इसका होने से क्या फायदा है, इस हाथ को दूर फेंक दे, क्या फायदा है इसका। अगर तुम्हारी आत्मा ही पाने से तुमको कोई नुकसान है, लाभ और फायदे की पूछते हैं परमात्मा को पाने के लिए, वो इनकार करते हैं कि हम खिलना नहीं चाहते हैं, वो खिलने का आनंद नहीं लेना चाहते। तो ये तो तुम्हारी अपनी अंतर स्वाभाविकता है कि तुम प्रकट हो, अपने आप में प्रकट हो, तुम एक रोशनी के रूप में अपने आप में प्रकट हो, दूसरों को भी रोशनी दो। तो इस रास्ता जो है इसका ऐसा होने का, ये सत्संग है।
सत्संग के बगैर तुम्हारी समझ नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ती है तो कोई कोई आता है, उसकी जो सौते समझ होती है वो पीछे से लेकर के आती है। तुमने अपनी समझ को पहचान लेना चाहिए कि तुम सौते जागृत हो कि नहीं। अगर तुम सौते जागृत नहीं हो, जामुनु भगत नहीं हो, जामुनु साधु नहीं हो, जामुनु चैतन्य घनता आपके अंदर नहीं है, तो सहारा लेने में भी तुमने नहीं चूक करनी चाहिए। सहारा लो कुछ दिन के लिए, जो तुम्हारे अंदर चैतन्य घनता आ जाए तो अपने पैरों पर आ जाओ। क्या गड़बड़ है? हम नहीं कहते कि गुरु के पास जाओ तो गुरु के पास रह जाओ, गुरु के पास जाओ तो उसे समझो और आगे निकल जाओ। स्कूल में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट लेके अपने घर आ जाते हैं, क्या मास्टर के पास ही रह जाते हैं? लेकिन हमारा अध्यात्म सिखा रहा है कि चल गुरु के ही पास रह जाना, हमने इष्ट से नहीं मिलना है। गुरु है इसलिए कि इष्ट से मिला दे, गुरु इसलिए नहीं कि तुमको अपने पास रख ले। पास रखने की चेष्टा जहां हो वो सत्संग झूठा है, वो तुमको भ्रम देगा। अब कहीं गुरु एक परमात्मा से जोड़ता है, अपनी भक्ति नहीं करवाता है, परमात्मा की भक्ति करवाता है, डायरेक्ट तुम्हारी सजगता से जोड़ता है, तुम्हारे अपने विचार से, दिल से, आत्मा से जोड़ता है, तुमको अपने आप को ही सदुपयोग करना सिखाता है, तो वहां खरी बात है, कहीं भी जाकर के सत्संग सुन लिया करो। तो एक दो बात मैंने आपको ये रिपीट कर दी कि भाई सत्संग जो है एक विज्ञान है, इसके जरिए से हमने अपनी आत्म शुद्धि करनी है, आत्म पवित्रता करनी है, अपनी आत्म प्रकटता करनी है, आत्मा की ओर से समृद्ध होना है। जब तक हमारे ही अपने पांव ना होंगे, दूसरे के पांव हमारे काम नहीं आएंगे। तो सारी चेतावनी यह है कि भाई 100 काम छोड़ के एक ध्यान की कुंजी ला लिया करो। जब तक ध्यान की कुंजी ना लाओगे तो दुई खत्म नहीं होगी, दुई खत्म ना होगी तो कड़ाई खत्म नहीं होगी, ना तुम्हारे घरों से होगी, ना अध्यात्म से होगी, ना मंदिरों से होगी, ना मस्जिदों से होगी, संसार में किसी स्थान से भी ये कड़ाई दूर नहीं होगी जब तक तुम्हारे अंदर दुई है। तो दुई को अपना खत्म करो और एकपन को टो लो, उसके लिए तुमने प्रयास की जरूरत पड़ेगी।